स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं नचिकेत निशान हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम इंडस वैली से 15 क्वेश्चन और वैदिक पीरियड से 15 क्वेश्चन करेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ वैदिक पीरियड। और हाँ, एक बात, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो वो PDF अवेलेबल है, लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से सॉल्यूशन के लिए आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन कि मेन डिफरेंस बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग्वैदिक काल का जो सिविलाइजेशन था उसमें क्या है, तो मेन डिफरेंस क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, इंडस जो थी वो अर्बन थी, वैदिक रूरल सोसाइटी थी, इंडस पीपल ट्री की वर्शिप करते थे और वैदिक लोग बरगद ट्री की, इंडस ट्रेड करते थे और वैदिक रिलीजन मेन उनका था, और इंडस के लोग नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे और वैदिक लोग नो पार्टिकुलर रूल, मतलब कि कोई रूल नहीं था उनका। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो मेन डिफरेंस था, ये इंडस के लोग थे अर्बन सोसाइटी, इतने शहर मिले हैं जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, और सबके सब मोस्टली ट्रेडर्स थे, तो ये अर्बन और ट्रेडर थे, और वैदिक लोग जो थे रूरल और एग्रीकल्चर मेन उनका धंधा होता था, मेन पेशा जो था वैदिक लोगों का वो एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग, पशुपालन और कृषि ये होता था। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस, इसके अलावा भी याद रखना है कि ट्रेड जो था वो किनका था, इंडस वैली का, और जो एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग थी वो किनकी थी, आपको वैदिक पीपल की। तो ये दो डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, गायत्री मंत्र कॉन्टेंड इन विच वेदा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, रामायणा, महाभारता। तो गायत्री मंत्र का मेंशन मिलता है हमें ऋग्वेदा में, तो आपका राइट ऑप्शन ए है ऋग्वेदा। और गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री जो सूरज है उनके लिए लिखा गया था, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जो है ये सूरज को डेडिकेटेड है। तो अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू विच देवी, किस भगवान के लिए लिखा गया है गायत्री मंत्र। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया सावित्री, सावित्री को उस टाइम पे सूरज को क्या कहते थे, सावित्री। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रा ऋग्वैदिक पीरियड, इंद्रा वाज द गॉड ऑफ विच देवी, मतलब कि इंद्रा ऋग्वैदिक पीरियड में किस भगवान को डिनोट करता था, क्योंकि मोस्टली ये नेचर की पूजा करते थे। आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि वैदिक लोग इनिशियली जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें ये नेचर की पूजा करते थे, वरुणा, अग्नि, सूरज, पृथ्वी, तो इन सब की पूजा करते थे। और इंद्रा जो थे वो थंडर गॉड थे और इनको पुरंदर भी कहा जाता था, इंद्रा को पुरंदर। और पुरंदर का मतलब क्या होता है, पुरंदर का मतलब होता है आपको जो डिस्ट्रॉय कर दे फोर्ट्स को, मतलब किला को जो डिस्ट्रॉय कर दे उसको पुरंदर कहते हैं। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, विच गॉड वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय आर्यस इन द ऋग्वैदिक पीरियड, इनमें से किस भगवान की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी। तो आपके ऑप्शंस हैं इंद्रा, अग्नि, सूर्य देवा, शिवा। तो जैसा कि बताया था अर्ली वैदिक पीरियड में तो इंद्रा की पूजा होती थी, अग्नि की भी होती थी, शिवा सूर्य देवा की भी होती थी, नहीं होती थी तो वो थी शिवा की, बट रुद्रा के नाम से आपको इसका मेंशन मिल जाता है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, बट अगर आपको परीक्षा में आया कि कौन से गॉड की पूजा नहीं होती थी तो शिवा में आपको टिक मार देना है। तो राइट आंसर इसका शिवा, शिव जी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज़ द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन। तो अगर आप देखें तो जितने भी वेद लिखे गए हैं सब कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस की ही चर्चा करते हैं, चाहे वो ऋग्वेदाओं के सेक्रीफाइस के टाइम पे कौन सा संगीत बजेगा आपको शाम वेदा में, या कौन से मतलब जानवर की बलि होगी, कैसे होगी, क्या होगी। तो मोस्टली जो है
वेदा जो लिखे गए हैं वो सेक्रीफाइस के लिए ही लिखे गए हैं। तो आपका राइट आंसर जो है वो है सेक्रीफाइसेस, मतलब बलि देना। और ये आपको याद ही होगा कि ऋग वेदा जो है सबसे पहला लिखा हुआ वेद है 1500 BC के आसपास, और इसको किसने, कौन लोग इसकी पूजा करते थे, मतलब जो इस ऋग्वेदा को पढ़ते थे उसे होत्री कहते थे, होत्री प्रिस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फेमस लेडी स्कॉलर वॉज फाउंड इन ऋग वैदिक पीरियड। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखना है। ऑप्शन है आपके सावित्री, गार्गी, सुभद्रा, सरस्वती। तो शायद आपको पता भी होगा इसका राइट आंसर जो है वो है गार्गी। गार्गी ही थी जो, मतलब कि जिनका सबसे ज्यादा बार मेंशन होता है ऋग्वैदिक काल में। बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही एक थी, साथ में आपको याद रखना है घोषा भी थी, साथ में आपको लापा मुद्रा, सॉरी मैं नाम भूल गया, लापा मुद्रा ये भी, इनका भी मेंशन मिलता है। और साथ में आपको जो याद रखना है वो मैत्रेयी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्होंने किन विषयों पर चर्चा की थी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। मुझे नेक्स्ट कमेंट में जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आप वोमेन स्कॉलर जो वैदिक पीरियड की थी उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। बट आपको ये याद रखना है कि चार स्कॉलर्स थे वोमेन, खासकर गार्गी, घोषा, लापा मुद्रा और मैत्रेयी। ये चार मेन आपको याद रखने हैं। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्कॉलर बिलीव दैट आर्यन हैज कम फ्रॉम आर्कटिक रीजन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द आर्कटिक होम, द आर्कटिक होम इन द वेदाज। तो ये मैं पूरी पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम है द आर्कटिक होम इन वेदाज। तो ये है इनका किताब लिखी थी, और इसके अनुसार इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि आर्यंस जो थे सबसे पहले सेटल्ड थे कहाँ पे, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल कहाँ पे है, आर्कटिक में। और 8000 BC के आसपास जब बर्फ ज़्यादा पिघलना शुरू हो गई तो ये लोग लैंड की तलाश में सबसे पहले नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप की तरफ गए और एशिया की तरफ आए। ये इनकी थ्योरी थी। हालांकि इनका कोई हिस्टोरिकल रिलेवेंस नहीं माना जाता है, बट इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि आर्यन सबसे पहले आर्कटिक रीजन में थे और वहाँ से इन्होंने पलायन शुरू किया था 8000 BC के आसपास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी हिम्स इंक्लूडेड इन ऋग्वेदा। ये नो ब्रेन क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है 1028। विद डिराइव्ड फ्रॉम वेदा रिफर टू, ये भी आपको याद होना चाहिए कि वेदा का मतलब ही होता है नॉलेज। तो ये भी नो ब्रेन क्वेश्चन है, वेदा जहाँ भी है आपको नॉलेज याद रखना है। वेदांतास द अनदर नेम ऑफ वेदांता जो है वो एक्चुअली में क्या है, उपनिषदा, इसी को वेदांता भी कहते हैं। देखिए उपनिषद जो है जितने भी फिलोसफिक स्कूल इंडिया में 6th सेंचुरी के आसपास आए, मतलब 6 BC के आसपास जो फिलोसफिकल स्कूल डेवलप हुए, उनका क्या हुआ कि इन्होंने मेन टेक्स्ट जो था इनका उपनिषद था, और उपनिषद 108 है। तो इन यहीं से जो है आपका फिलोसफिकल स्कूल जो है डेवलप हुआ है इंडिया का, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आप देखें वेदांतास का मतलब होता है एंड ऑफ वेदास, जहाँ पे वेदा ख़त्म होती है, ये इसका मतलब होता है। और मेन टेक्स्ट जो है फिलोसफिकल स्कूल जो इंडिया में डेवलप हुए, 6 टोटल फिलोसफिकल स्कूल डेवलप हुए, तो मेन टेक्स्ट है आपको उपनिषद, दूसरा है भागवत गीता और तीसरा है ब्रह्म सूत्र। तो ये तीन किताबें जो है इंडियन फिलोसफी का मेन, समझ लीजिए टेक्स्ट है, मेन किताब यही तीन है, उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदास आर
कितने उपनिषदास हैं टोटल? ये भी नो ब्रेन क्वेश्चन है, 108। एंड विच वॉलेंट्री टैक्सेशन सिस्टम यूज इन वैदिक सोसाइटी? वैदिक सोसाइटी में कौन सा टैक्स जो है अप्लीकेबल था? तो आपको याद रखना है इसमें बाली, और बाली क्या था, एक अर्ली वैदिक पीरियड में वॉलेंट्री टैक्स था, कि मतलब अगर लोग देना चाहें तो ठीक है, नहीं भी देना चाहें तो तब भी ठीक है, बट लेटर वैदिक पीरियड में ये मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स? तो अगर आप देखें तो मैंने वीडियो में बताया था आपको कि ये जो सेटल हुए थे इनिशियली अर्ली वैदिक पीरियड में, वो कहाँ सेटल हुए थे? सप्त सिंधु रीजन में, और सप्त सिंधु रीजन में सात नदियाँ थीं, इंडस, रावी, चेनाब, बीज, सतलज, घग्गर और झेलम। घग्गर को सरस्वती भी कहते हैं। तो ये सात नदियों के किनारे सेटल हुए थे, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो है सी। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है परीक्षा में, एक बार यूपीएससी में, एसएससी में भी, कि द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द इंडियन एम्बेलम वेर टेकन फ्रॉम विच बुक, वैदिक पीरियड बुक? तो इसका सही आंसर जो है वो है मुंडका उपनिषद। और उपनिषद एक खास स्थान रखता है इंडियन फिलॉसफी में, जैसा कि मैंने बताया। एक बात और बता दूं कि उपनिषद जो थे ये आश्रमाज के खिलाफ थे, जैसे कि उस टाइम पे क्या हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड में चार आश्रमाज बनाए गए, अगर आपको याद होगा तो, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्था और सन्यासा। चार जो आश्रम बनाए गए थे उसके खिलाफ इन्होंने लिखा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं लोग और सेलिब्रेशन उनको भी मिलेगा, मतलब मुक्ति उन्हें भी मिलेगी अगर वो आम जिंदगी भी जीते हैं। और एनिमल सेक्रीफाइसेस, जानवरों के सेक्रीफाइस के खिलाफ थे उपनिषद मोस्टली, और ये ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स की भी बातें करते हैं, कि आपको ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल की जो आत्मा है वो पलायन करती है एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म के अनुसार। तो ये मेन आपको समझने वाली बात है कि उपनिषद जो थे वो एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ थे और ये आश्रमास के भी खिलाफ थे। तो ये था आपका मेन। और लास्ट जो है, विच काइंड ऑफ मैरिज अनुलोमा रिफर्ड? तो इसमें है आपका राइट आंसर जो है मैन फ्रॉम हायर कास्ट विद वुमेन फ्रॉम लोअर कास्ट। तो देखिए यहाँ पे जो हायर कास्ट का जो मैन होगा वो लोअर कास्ट के वोमेन से शादी करेगा, तो ये अनुलोमा कहा जाता था और ये मोस्ट प्रिवलेंट था, और प्रतिलोमा इसका उल्टा होता था, लोअर कास्ट का लड़का और हायर कास्ट की लड़की, और ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है अनुलोमा रिफर टू मैन फ्रॉम हायर कास्ट विथ वुमेन फ्रॉम लोअर कास्ट। तो ये थे आपके टोटल 16 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी 20 क्वेश्चन और बन सकते हैं इसके, अगर और क्वेश्चन चाहिए आपको वेदा से तो मुझे कमेंट में जानने दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपकी परीक्षा में मदद करेगा। मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा बुद्धिज्म के साथ, जो कि मेन यूपीएससी और एसएससी के लिए, जहाँ से ढेर सारे सवाल बनते हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, मुझे उम्मीद है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।